अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद। आज हम करने जा रहे हैं क्रॉप टूल। क्रॉप टूल ये हमारे पास क्रॉप टूल है, और इसके बाद हमारे पास क्रॉप टूल के अंदर जो है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्ट टूल भी मौजूद है। क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्रॉप टूल ये है, देखिए जिस तरीके से यहाँ से हमने ये क्रॉप कर दिया, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, डिलीट क्रॉप पिक्सल और कॉन्टेंट अवेयर और डिलीट क्रॉप पिक्सल। ये क्या है, डिलीट क्रॉप पिक्सल मैंने अगर अनचेक कर दिया तो मैं इसको क्रॉप करता हूँ तो ये पिक्सल हमारे पास मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये पिक्सल हमारे पास, मैं मूव टू से दिखाता हूँ, पिक्सल हमारे पास मौजूद होंगे। अगर ये आपने चेक कर दिया तो फिर क्या होगा, तो ये इसको डिलीट कर देगा, ठीक है। एंटर करें तो ये आपके पास पिक्सल मौजूद नहीं होंगे, देखें, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्रॉप टूल और डिलीट क्रॉप टूल, सॉरी डिलीट पिक्सल जो है हमारे पास इसके, ये वो था। कंटेंट अवेयर में उसको आसपास के पिक्चर से मैच भी कर देगा, मिसाल के तौर पर इतना सा आपने हिस्सा क्रॉप किया तो ये जो होगा ये साथ के पिक्चर्स को मैच कर देता है। तो ये कंटेंट अवेयर को आप अनचेक रखें, कोई इश्यू नहीं। और इसके अलावा जो है इसमें क्रॉप टूल में पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है। मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को समझाने के लिए। ये मैंने एक जो है एक इमेज ओपन किया हुआ है, लो रेजोल्यूशन है, कोई बात नहीं, जस्ट समझाना मकसद है। एक पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल मैंने लिया और मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ ऐसे, और मैं इसको जो है ये चेक करें ऐसे करता हूँ, और मैं ये रहा एच पकड़ के यहाँ पर ले आता हूँ, और ये रहा इसका किनारा यहाँ पर ले आता हूँ, और मैं एंटर का बटन दबाता हूँ, देखिए हमारे पास सीधा होके इमेज आ गए। तो ये था हमारे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। सेम हम फोटोशॉप 2014 में देखते हैं, तो ये 2014 मैंने ओपन कर लिया है, तो देखें इसमें सेम टूल्स इसमें भी मौजूद हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम, इसको मैं क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट टूल के ऊपर हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।